नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे, T20 वर्ल्ड कप तक टीम से जुड़े रहेंगे। BCCI आगे और बढ़ सकता है, कार्यकाल राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। BCCI ने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। बोर्ड ने बुधवार 29 नवंबर को इसका ऐलान किया है। बीजेपी कांग्रेस की अपनी जिताओ बागियों पर नजर, नतीजों से पहले मनाने का काम शुरू। 12 से ज्यादा बागी पहुंच सकते हैं विधानसभा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन कांग्रेस भाजपा अभी से अपनी मजबूत बागियों पर नजर बनाए हुए हैं। मतदान के बाद आई वोटिंग प्रतिशत और रुझान को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस बार 12 से ज्यादा बागी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के प्रदेश नेतृत्व में जिताओ बागियों से संपर्क साधने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि अगर बहुमत के आंकड़े को छूने में कोई दिक्कत आए तो अपने रूठों को तुरंत मनाया जा सके। नए जिलों की 51 सीटें, 29 पर वोटिंग पड़ी, 22 सीटों पर वोटिंग घटी। जानिए नए समीकरण से कांग्रेस बीजेपी में से किसे फायदा। प्रदेश में बनाए गए 17 जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग के सियासी रुझान चौंकाने वाले हैं। इनमें से 29 सीटों पर 2018 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 22 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 2018 के मुकाबले कम हुआ है। इन सीटों पर पूर्व मंत्री रघु शर्मा, बाबूलाल नागर जैसे कांग्रेस के कई दिग्गजों की साख जुड़ी है। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ में तहसीलदार के बाद SDM निलंबित। बालाघाट मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत के बाद एक्शन। बालाघाट के ट्रेजरी ऑफिस में बने स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के मामले में SDM गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह यानी तहसीलदार को निलंबित किया गया था। सागर में 3 लेयर सुरक्षा में होगी मतगणना। काउंटिंग के लिए 112 टेबल लगाई। 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट, 8:30 बजे से शुरू होगी EVM की वोटों की गिनती। विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है, जिसको लेकर सागर में प्रशासन तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम में मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 लेयर सुरक्षा तैनात की गई है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराई जा सके। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी, जिसके बाद 8:30 बजे से EVM में दर्ज मतों की गिनती शुरू की जाएगी। मतगणना के लिए सागर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में 112 टेबल लगाई गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डाले गए मतों की गणना के लिए 14-14 टेबलों का उपयोग किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के 3 दिसंबर को घर बैठे इस तरह देखे परिणाम। MP की 230 सीटों के सबसे पहले और हर राउंड की मिलेगी जानकारी। विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसंबर रविवार को होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, इसके आधे घंटे बाद EVM में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी। इस चुनाव के सबसे पहले परिणाम लोग घर बैठकर देख सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग वेबसाइट result.eci.gov.in, वोटर हेल्पलाइन ऐप यानी VHA, CEO मध्यप्रदेश.nic.in पर परिणाम अपडेट होंगे। मध्य प्रदेश के 52 जिलों की 230 सीटों के परिणाम तुरंत देखने को मिलेंगे। इसमें पोस्टल बैलेट व EVM के हर राउंड के परिणाम आएंगे। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मतों की घोषणा तत्काल होगी। VD शर्मा बोले, कमलनाथ दिग्विजय हार से डरे, कभी EVM पर सवाल उठाते तो कभी खरीद फरोख्त के आरोप लगाते हैं। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। चुनाव का रिजल्ट आने के पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी पार्टियों को बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। मतगणना के पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने दैनिक भास्कर से चर्चा की। MP कैबिनेट की 30 नवंबर को बैठक, मंत्रियों को भेजी आधिकारिक सूचना, कोई एजेंडा नहीं किया जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के पहले कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को आधिकारिक सूचना भेजी गई है। बैठक के लिए कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है। इस बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को भी शामिल रहने के लिए कहा गया है। इसलिए माना जा रहा है कि CS बैंस की विदाई भी इस बैठक में होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आना तय। कांग्रेस बोले, चुनाव के चाणक्य अमित शाह आ जाएं तो मनसुख मंडाविया, जनता हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां 3 दिसंबर यानी कि काउंटिंग के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अब मतगणना को लेकर बीजेपी कांग्रेस इन दिनों आमने सामने नजर आ रही है।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मतगणना को लेकर भाजपा की रणनीति पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा मुगालते पालकर बैठी है कि वो सरकार बनाने जा रही है। सोनिया प्रियंका खड़गे से मिले सीएम भूपेश बघेल, चुनाव बाद पहला दिल्ली दौरा, 90 सीटों का दिया फीडबैक, नई सरकार के गठन पर चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से सीएम भूपेश ने मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों का फीडबैक उन्होंने दोनों नेताओं के सामने रखा है, साथ ही मतगणना को लेकर क्या तैयारियां उस पर भी चर्चा हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।